Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. आज की सुर मेला बाइंडर महानगर पालिका के मुख्यालय पर हूँ। यहाँ पर पिछले दो दिनों से आंदोलनकारी और समाजसेवी जिद्दी राडा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रदीप जंगम जी पिछले दो दिनों से यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो पिछले दो दिनों से किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। इस वक्त प्रदीप जंगम जी जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, आइए इन्हीं से जानते हैं ये पिछले दो दिन से क्यों आंदोलन कर रहे हैं। बाद 32 लाख रुपया टैक्स के साथ में फाइन लगाकर लोकायुक्त ने ऑर्डर दिए कि ये जल्दी से लगता चालू कर दिया। आज तक इस ऑफिस पे डिसीजन आया था लोकायुक्त का, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा की थी। और पहली बार तो महानगर पालिका का रूल्स रेगुलेशन नियम ऐसे होते हैं कि कोई जो जगह डेवलपर से लेना चाहिए वो डेवलप करके दे लेना चाहिए, लेकिन वो बिना डेवलप करके ले लिया क्योंकि लोकायुक्त के पास फाइनल हेयरिंग था। कई उन लोग के ऊपर कोई दाग ना लगे, कई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए डर के मारे उन्होंने छुपी छुपे ये एग्रीमेंट बना के ले लिया। लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई काम चालू नहीं किया था। ये आंदोलन होने के बाद वहाँ पे अभी काम चालू हो चुका है। कमिश्नर ने आज यहाँ पे जो विधायक आए थे उनके साथ में बात किया, उनको भी ऐसा बोला कि दो दिन में वहाँ पे चालू करूँगा। शिवसेना के विधायक प्रताप शर्मा जी आए थे, उन्होंने जाके इस विषय पर बात की, उनको बोला कि 16 तारीख को चालू करूँगा। दूसरे विधायक को बोलते हैं कि दो दिन में चालू करूँगा, तीसरे दिन को बोलते हैं कि 3 दिन में चालू करूँगा। मतलब ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वो चालू करके नहीं सकते। अगर चालू करके नहीं कि अगर इतनी ही इंसानियत रहती तो 8 साल पहले दे देते, करोड़ रुपये ऐसे ही नहीं कमा देते जनता के हक के। आज वहाँ पे 100 बेड का वहाँ पे मैटरनिटी होम अगर चालू हो जाएंगे तो मेरा क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिला है जिनकी कैपेसिटी नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, स्त्री के लिए 1,00,000 रुपया 1.5 लाख रुपया खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, उनको आज मुंबई के अस्पताल में जाना पड़ता है। मतलब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कुछ करोड़ रुपये की गाड़ियों में होती है लेकिन कोई बहन के लिए, कोई गरीब महिलाओं के लिए आप ये सेवा उपलब्ध नहीं करा सकते। आपको ये देना है, करोड़ रुपया तो आपने कमा लिया सकते हैं हॉस्पिटल बना के, लेकिन ये सेवा जब तक अवेलेबल करके नहीं देंगे तब तक ये अपना ये आंदोलन हमारा चालू रहेगा। तब इसमें बोले 2-3 दिन में चालू करके दे देंगे करके, लेकिन आपका चले हमारे पास है शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश पांडे जी, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। ये देखिए अभी प्रदीप जंगम जी ने आपको सारा विस्तार से बताया, मैं इस विषय पे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर 20 लाख का अध्यादेश लाया, बिल पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, जबकि वो मुस्लिम महिलाएँ कभी भी ये भाजपा के पास जाकर हमको इससे अध्यादेश लाओ ऐसा कहा नहीं था। आज मीरा भाईंदर शहर में एक प्रसूति केंद्र जो महिलाओं हमारे साथ में है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है जो प्रदीप जंगम जी आज यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। देखिए ये जो अकोमोडेशन डेवलपमेंट के अंदर का विषय था जहाँ की महापालिका को हेल्थ आरोग्य के लिए उसमें का शहर मिलना चाहिए और उस हिसाब से इसके प्लान पास हुए थे और वो ट्रांसफ़र करने का विषय था। जंगम जी ने इसके पहले भी लोकायुक्त साहब की तरफ इसका दरखास्त किया था, लोकायुक्त जी के सामने इसके निर्देश पालन हुए, उस हिसाब से महापालिका उसके ऊपर एक्ट कर रही है। वो जो वास्तु बनी है जो महापालिका का हक है उसका रजिस्टर सेल्डिंग हमने संबंधित विकासक के तरफ से कर लिए हैं, वो नोंदीकृत किए हैं और वहाँ कलरिंग लाइटिंग टाइल्स ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ था, लेकिन अंदर जो बेसिक एमिनिटीज लगते वो काम बाकी था, वो उसके तरफ से उनके खर्चा से वो कर के ले रहे हैं और ये अंतिम फिनिश स्टेज पे ये बात मैं जंगम जी से भी पेश किया है।
और इनको इन्होंने किया था कि इसको दोबारा एजिटेशन की जरूरत नहीं, हर बातें आम तरीके से अंतिम हो गए हैं। थोड़े दिन में महापौर और हम खुद जाके वहाँ उद्घाटन करके वहाँ दवा करने का काम शुरू करेंगे। ये सर हम एक डेडलाइन दे देंगे कि ये कब तक क्या रहता है। दिस इज द कॉर्पोरेशन वर्क। ओके, बहुत ही जल्दी हमारा महापौर प्रोजेक्ट के अभी काम चल रहे हैं, उसको फिनिश होते ही ये दवाखाने का उद्घाटन हम हाथ में लेंगे। सर महापौर चषक जरूरी है या जो ये हेल्थ केंद्र है? देखिए महापौर चषक हेल्थ गेम महापौर महापालिका के ऐसे अगण्य काम है, वो भी काम जरूरत है। ऐसा नहीं कि ये काम जरूरत नहीं, ये काम जरूरत है, सभी काम जरूरत है। सर ये 6 महीने से रुका हुआ कार्य है, पिछले ये 6 महीने साल से रुका था। एक्चुअली सर हैंडओवर जो किया गया 6 महीने पहले किया गया, वो फिनिश नहीं था। दवाखाना जब चालू करते तो उसके पूरा फैसिलिटी होके दवाखाना चालू होना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए ना, वहाँ टाइल्स बाथरूम ये सब काम होना चाहिए। फिर भी सर आप अपनी तरफ से कोई डेडलाइन ऐसे बता सकते हैं? एक हफ्ता, एक आधे हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा जी। धन्यवाद सर, थैंक यू।